भव्य राम जन्मभूमि मंदिर। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपको यहीं पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने आना है। राम मंदिर का जो एरिया है वो है 2.77 एकड़, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका एरिया 70 एकड़ का होगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाखों राम भक्तों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो मंदिर के खुलते ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आने वाले हैं। राम मंदिर को नागर शैली के हिसाब से बनाया जाएगा और इसका जो एंट्री द्वार है वो ईस्ट की तरफ होगा, जिसे गोपुरम स्टाइल में बनाया जा रहा है, जो साउथ के मंदिरों जैसा ही दिखाई देगा। मुख्य द्वार की बात करें तो इस पर सबसे पहले सिंह द्वार बनेगा, उसके बाद गज द्वार, और मंदिर में एंट्री से पहले एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ जी राम भक्तों का स्वागत करेंगे। पूर्वी दिशा से ही प्रवेश होगा और दक्षिण दिशा से निकास होगा। मंदिर के अंदर 5 मंडप होंगे, जिनमें रंग मंडप, नृत्य मंडप, गृह मंडप से होते हुए आप गर्भ गृह तक पहुंचेंगे, और मंदिर के दोनों तरफ 2 कीर्तन मंडप भी बनाए जा रहे हैं, जहां भक्त प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो सकते हैं। बात करें गर्भ गृह की, जो इस मंडप की सबसे खूबसूरत जगह होने वाली है, क्योंकि इसी मंडप में रामलला विराजमान होंगे। ये मंदिर रामलला का है, रामलला मीन चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, इसलिए यहाँ जो नई नूतन प्रतिमा रखी जाएगी वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप होगा। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर भगवान का परिवार बैठेगा, राम जी, जानकी जी, तीनों भाई, हनुमान जी। इस मंडप को डिजाइन करते वक्त साइंस का भी यूज किया गया है। पुणे के एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की हेल्प से ऐसे गैजेट्स तैयार किए गए हैं जिससे रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल नवमी दोपहर को 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो वैज्ञानिक तरीके से ऐसी व्यवस्था अंतरिक्ष विज्ञानियों ने की है कि प्रतिवर्ष दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरण भगवान के ललाट को प्रकाशित करेगी। राम मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर भगवान राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियां भी उकेरी जाएंगी, ताकि भक्त उनसे प्रेरणा ले सके। लोअर प्रिंट का जो ऊर्ध्व वर्टिकल पार्ट है, बाहरी हिस्सा ऊर्ध्व, उस पर वाल्मीकि रामायण के भगवान राम के जीवन के प्रसंगों की मूर्तियां पत्थर पर उकेर कर एपिसोड, प्रसंग, पैनल वो लगाए जाएंगे। अगर कोई आदमी एक किनारे से चलेगा तो भगवान राम का संपूर्ण जीवन उसको समझ में आ जाएगा। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में बंसी पहाड़पुर स्टोन का यूज किया गया है, जो स्पेशली राजस्थान से मंगवाया गया है। आगरा के लाल किला से लेकर अक्षरधाम मंदिर और यहां तक कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं है, 1 ग्राम लोहा नहीं, और ये मंदिर का पत्थर 1000 साल तक भी कहीं नहीं जाएगा। ग्रेनाइट की आयु 1000 साल से भी ज्यादा है, तो ये मंदिर का जो मटेरियल है वो 1000 साल को ध्यान में रखकर किया गया।